हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी मैं हूँ कल्याणी हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में एंटीडोट्स एंड बॉडी पार्ट्स के पीएच हम यहाँ देखने वाले है ये जो हमारा वीडियो है वो हमारा जेडपी एग्जाम सी एस आई सी डी एच एस जो फार्मा गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जीपेट की एग्जाम होती है वहाँ इसमें के क्वेश्चन एंटीडोट ड्रग पॉइजनिंग के एंटीडोट पूछे ही जाते हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखिए हमारा टेलीग्राम पे चैनल है फार्मा कॉम्पिटेटिव बु, बु, पीडीएफ आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं वहां पर भी आपको नोटिफाई किया जाएगा तो देखिए एंटीडोट्स होते क्या है एंटीडोट्स इज अ सब्सटेंस दैट कैन काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग अगर किसी कोई पेशेंट ने पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है तो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए या उसका इफेक्ट कम करने के लिए जो एजेंट हम यूज करते हैं उसे एंटीडोट बोला जाता है तो देखिए एंटीडोट्स आर द एजेंट दैट निगेट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और द टॉक्सिन तो हम इस वीडियो में डिफरेंट पॉइजनिंग के डिफरेंट एंटीडोट्स यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला ड्रग और ड्रग पॉइजनिंग है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन में जो है हम एंटीडोट यूज करते हैं स्पिरेनोलैक्टोन। तो देखिए यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है ओयन ई और इसके भी ओयन ई तो आप इसे रिलेट करके भी इसो इसे याद रख सकते हैं अल्डोस्टेरॉन जिसका एंटीडोट है स्पिरानोलैक्टोन नेक्स्ट है बारबिट्यूरेट्स बारबिट्यूरेट्स पॉइजनिंग में हम एंटीडोट यूज करते हैं बेमेक्राइड एंड दी पेंटालिन टेट्राजोल ये जो ड्रग है वो एज एंटीडोट यूज करते हैं इन द बारबिट्यूरेट्स पॉइजनिंग नेक्स्ट है बेलाडोना जिसे हम एट्रोपिन पॉइजनिंग भी बोलते हैं उसमें हम यूज करते हैं फाइसोस्टिग्मीन एंटीडोट नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपाइन्स जिसे हम लिखते हैं बीजेटी अगर बेंजोडाइजोपिन पॉइजनिंग हुई है तो उसमें हम एंटीडोट यूज करते हैं फ्लुमाजेनिल नेक्स्ट है ब्रैडीकाइनिन ब्रैडीकाइनिन में हम एंटीडोट यूज करते हैं इकाटिबंट तो देखिए इकाटिबंट आपको कैसे याद रखिएगा रखना चाहिए बी ए एन टी बंट एनी बी फॉर ब्रैडीकाइनिन एंटागोनिस्ट ये जो इकाटिबंट है ब्रैडीकाइनिन एंटागोनिस्ट है जो एज एंटीडोट यूज होता है इन द ब्रेडिकाइनिंग नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की पॉइजनिंग हुई है तो हम वह एंटीडोट यूज करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट नेक्स्ट है कार्बामेट्स कार्बामेट्स में एज एंटीडोट यूज होता है एट्रोपिन तो याद देखिए कार्बामेट्स में भी एटी है और उसके एंटीडोट में भी स्टार्टिंग में एटी है तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं नेक्स्ट है साइनाइड इन साइनाइड पॉइजनिंग वी यूज द एंटीडोट नाइट्रेट्स तो यह भी, यहाँ भी यहां पर भी देखिए साइनाइड में एनआई आया है और यहां भी एनआई से स्टार्टिंग हुआ है नाइट्रेट्स तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इन साइनाइड पॉइजनिंग देर इज अ यूज ऑफ द एंटीडोट दैट इज द नाइट्रेट्स नेक्स्ट है एंडोथेलिन कन्वर्टिंग एंजाइम तो इसमें जो है हम ड्रग यूज करते हैं फास्फोरामिडोन एज ए एंटीडोट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, है तो हम वहाँ, जो तीन ड्रग है वहाँ यूज करते हैं आप इीई और दी टी ए टी ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हैं तो ई से आता है इप्सिलोन अमाइनो कैप्रोइिड और एप्रोटिन एंड टी से आता है ट्रेनिक एसिड तो आप ऐसे ई ए टी

में हम यूज करते हैं केटामाइन एंटीडोट जी के जनरल नॉलेज तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ग्लूटामेट में हम ड्रग एंटीडोट यूज करते हैं केटामाइन नेक्स्ट है, है हेपेरिन। हेपेरिन में जो है एंटीडोट यूज होता है प्रोटा प्रोटामाइन सल्फेट तो ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया ड्रग है नेक्स्ट है हिप्नोटिक्स हिप्नोटिक्स में जो एंटीडोट हम यूज़ करते हैं वो है पेंटिलिन पेंटिलिन टेट्राजोल नेक्स्ट है आयरन आयरन पॉइजनिंग ये भी पूछा गया ड्रग है बहुत बार एग्जाम में आयरन को हम लिख सकते हैं एफी यानी फेरिकायन में तो आपको पता ही होगा तो यह देखिए आयरन पॉइजनिंग में एंटीडोट है mine, जो हम यूज़ करते हैं, अगर हमें यूज करना है तो डेफेरीपोन। तो इसके स्पेलिंग में देखिए एफ एफ आया गया है Fe2+ टू FE प्लस एफ थ्री प्लस जो है हम आयरन को बोलते हैं तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं आयरन देर इज डेफेरिक्सोमाइन डेस फेरिक्सोमाइन और दोन दीज आर लीड इन लेड पॉइजनिंग हम यूज करते हैं कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए एंड डाइमरकैप्टो सक्सिनिक एसिड सक्सिमर एंड डी ईडीटीए हम लेड पॉइजनिंग में यूज करते हैं नेक्स्ट है लियोडोपा लियोडोपा एंड द आइसोनियाजाइड अगर इन ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो हम वहां यूज करते हैं एंटीडोट उस पॉइजनिंग को कम करने के लिए हम एंटीडोट यूज करते हैं पायरिडॉक्सिन जिसे विटामिन बी सिक्स भी बोला जाता है नेक्स्ट है मर्क्यूरी एंड द आर्सेनिक तो देखिए मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग में हम एंटीडोट यूज करते हैं डाइमर कैप्रोल जिसे बाल भी कहते हैं हम डाइमर कैप्रोल नेक्स्ट है तो देखिए यह ट्रिक है एम ए टी तो मर्क्यूरी आर्सेनिक के लिए ड्रग ऑफ एंटीडोट है दैट इज दी डाइमर कैप्रोल तो आप इसे भी याद रख सकते हैं मैड एम ए डी नेक्स्ट है मिथोट्रिक मिथोट्रिक्सेट मिथोट्रिक्सेट पॉइजनिंग में हमारा एंटीडोट होता है फोलिनिक एसिड नेक्स्ट टाइम मिथिल अल्कोहल एंड इथिलिंग ग्लाइकोल अगर इस ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो हम वह एंटीडोट यूज करते हैं पोमेपिजोल फोमेपिजोल जिसे फोर मिथिल पायराजोल भी बोला जाता है नेक्स्ट है मशरूम पॉइजनिंग अर्ली अगर मशरूम पॉइजनिंग हुई है एकदम इंस्टेंटली तो हम वह ड्रग ऑफ एंटीडोट यूज करते हैं एट्रोपिन अगर मशरूम पॉइजनिंग लेटली पॉइजनिंग हुई है तो वहां हम एंटीडोट यूज करते हैं थायोक्टिक एसिड तो आपको ये याद रखना है नेक्स्ट है मॉर्फिन ओपियोइड्स मॉर्फिन पॉइजनिंग अगर हुई है तो वह एंटीडोट यूज करते हैं नैलोक्सोन ये भी जो है मॉर्फिन पॉइजनिंग बहुत बार पूछा गया है नेक्स्ट है ऑर्गेनोफोस्पेट ऑर्गेनोफोस्पेट पॉइजनिंग में एंटीडोट यूज करते हैं कोलिन इस्टरेज रिएक्टिवेटर ड्रग दैट इज दैलीडोक्सिन नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो पॉइजनिंग में जो हम एंटीडोट यूज करते हैं दैट इज द एटोसिबेन तो देखिए ऑक्सीऑटो ऑक्सीऑटो ऐसे आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है पैरासिटेमोल पैरासिटेमोल पॉइजनिंग में जो है एन एसिटिल एंटीडोट हम यूज करते हैं नेक्स्ट है पेंटिलिन टेट्राजोल पॉइजनिंग जिसमें हम जो है वो एज एंटीडोट यूज करते हैं उसके बाद है पिक्रोटॉक्सिन 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 पॉइजनिंग में जो है डाइजेपाम जो ड्रग है हम एंटीडोट को यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पी आई डी आई पी आई डी आई ऐसे आप यहाँ याद रख सकते हैं नेक्स्ट है ट्राइसाइकलिक एंटीडिप्रेसेंट जो ट्राइसाइकलिक एंटीडिप्रेशन ड्रग है उनकी पॉइजनिंग हुई है तो हम वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एज एंटीडोट यूज करते हैं नेक्स्ट है वाल्रोइक एसिड इन वालप्रोइक एसिड पॉइजनिंग एंटीडोटीज कार्निटिन तो देखिए इसमें वालप्रोइक एसिड दो आय आए, आए गए हैं और इसके कार्निटिन में भी दो आय है तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट है वारफरिन इन वारफरिन पॉइजनिंग देयर इज एंटीडोट दैट इज द विटामिन के नेक्स्ट है विल्सन डिसीज विल्सन डिसीज में क्या होता है कॉपर कॉपर कौ, की जो कंटेंट uh, है वो इंक्रीज हो जाती है तो अगर कॉपर पॉइज़निंग हुई है तो हम वहां एंटीडोट यूज करते हैं डी और नेक्स्ट विल्सन डिसीज में कॉपर की लिमिट इंक्रीज होती है तो एक जो डिसीज है मेंग्स डिसीज जिसमें कॉपर की डिफिशियन्सी होती है तो ये भी आपको याद रखना है ऐसे तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स की अगर पॉइजनिंग हुई है तो हम वहां ग्लूकैगोन और दी ये जो ड्रग है एंटीडोट हम यूज करते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे एंटीडोट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स और उसके पीएच ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से तो देखिए पहला है स्किन स्किन का पीएच होता है फाइव पॉइंट सिक्स नेक्स्ट है ब्लड ब्लड का पी एच है सेवन पॉइंट फोर सलाइवा सलाइवा का पी एच है टिश्यू कल्चर मीडियम जो होते हैं उनका पी एच होता है फाइव पॉइंट सेवन नेक्स्ट है माउथ माउथ का पी एच होता है सेवन पॉइंट वन और स्टमक का पीएच होता है वन पॉइंट फाइव बाद में जो डिओडेनम होते हैं उसका पीएच होता है फोर और लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं उस उस पार्ट का पीएच होता है सिक्स पॉइंट नाइन तो ए भी आपको पूरे पीएच अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट आपको याद रखने हैं सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप वीडियो पे हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you students.